सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नेशनल रिपोर्टर पर। क्या कहना चाहोगे, आज आप बहुत ही अच्छी जगह आए हैं और आपके फादर इस प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? यस, इट इज़ फन, और यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है, एंड इसका नाम ही एस्ट्रो वर्ल्ड है। सो माई फादर इज एन एस्ट्रोलॉजर, सो ही नोज अबाउट इट। अभी 60 स्टॉल्स हैं हमें जो देखने हैं, और मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी भी हैं यहाँ से। सो इंटरेस्टिंग, स्टोन्स, क्रिस्टल एंड बहुत कुछ जो हमने देखा, इतना सा देखा है मैंने, अभी इतना बड़ा है। क्या क्या मतलब आप क्या क्या जानते हैं? आपके फादर भी एस्ट्रोलॉजी है, तो आप इस क्षेत्र में आपको तो ज़्यादा नाम पता है और आपका नाम भी उसी को लेके है। आपके फादर मम्मी ने आप भी बताया, क्या कहना चाहिए? या सो यस, मैं ये कहना चाहूँगी, मैं ये भी बता देती हूँ मैं नाम कैसे पढ़ा। सो माई फादर वॉज लाइक ही वॉज प्रैक्टिसिंग अ स्पीच, सो जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, ही वॉज इन अ लाइन, ही वॉज सेइंग मैं ये ऐड कर सकता हूँ, सो इट इज़ वेरी ऑरा टाइप। सो माई मदर से अरे हम लोग, मैं 3 ईयर्स की थी तब तक मेरा नाम ही नहीं पढ़ा था, और मेरे पापा ने कहा दैट यस यू कैन, माई मॉम से अरे हम तो ऑरा क्यों नहीं रख रहे, सो माई फादर से रोके वी कैन कीप इट, सो इसलिए ऐसे ही मेरा ऑरा नाम पड़ा। सो बहुत कॉमन था ये सिचुएशन, मतलब ऐसे नाम पढ़ना, पर बहुत यूनिक है मेरा नेम। ओके, और कभी आपने कुछ कुंडली दिखाई है आपकी लाइफ के बारे में, या कुछ आप बताना चाहेंगे? किसने कुछ आपको बताया, आपके पापा ने आपको बताया कि आपका ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है? सो मुझे बस एक बार यही, लाइक मेरे पापा ने लाइक एक ही बार कुंडली चेक किया, मैं एक जोक पे बता देती हूँ, लाइक माई फादर इज चेकिंग एवरीवंस कुंडली, बट ही इज, मतलब उन्होंने अपनी नहीं देखी है कुंडली, ही इज एस्ट्रोलॉजर, पर उन्होंने अपनी कुंडली नहीं देखी है। पापा ने कहा अपनी कुंडली देख के क्या करना है। सो यस, और मैं ये बता देती हूँ दैट मेरा कुंडली में क्या होगा, मैं जब लाइक मुंबई में जब हम लोग ऑडिशन दे रहे थे एंड मेरा बैरिस्टर बाबू का सिलेक्शन टाइप हो रहा था, सो तब हमारा क्या था, माई फादर वाज सेइंग टू माई मॉम दैट अभी सिलेक्शन होगा डिसम्बर में, सो माई मॉम वाज लाइक अरे अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हुआ, अभी डिसम्बर में ख़त्म होने वाले, जैसे ही डिसम्बर का एंड होने वाला था तब तक कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर लिया। ओके, आपका नया शो आने वाला है बैलेंस्ड बाबू 2, और उसका प्रोमो आपने शूट किया है, कैसा रहा प्रोमो शूट करने का एक्सपीरियंस? सो प्रोमो